नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल क्लास ऑफ लाइफ एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम फिर से बात करने वाले हैं टीवी के बारे में। सो इफ यू न्यू हियर, हाय, माय नेम इज आरती। आई मेक ब्लॉग्स एंड हेल्थ रिलेटेड वीडियोस हियर, स्पेशली अबाउट ट्यूबरक्युलोसिस बिकॉज आई एम आल्सो अ ब्रेन एंड स्पाइन टीवी पेशेंट एंड आई शेयर वीडियोस ऑन द बेसिस ऑफ माय एक्सपीरियंस। आई एम नॉट अ मेडिकल प्रोफेशनल। इफ यू आर न्यू हियर, प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो आज हम बात करेंगे टीवी के बारे में, बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल चीज। सो आज हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ टीवी, कितने टाइप्स के टीवी होते हैं। तो इसके पीछे एक छोटा सा ये भी बता देती हूँ मैं कि जब मुझे टीवी हुआ आज से एक डेढ़ साल पहले, मतलब 2 साल हो गए टीवी हो गए, तो मतलब एक डेढ़ साल पहले जब किसी से मेरी बात हुई तो उन्होंने पूछा कि तुम इतना बीमार हो, तुम्हें हुआ क्या है। तो मैंने बोला टीवी, क्योंकि जनरली हम टीवी बोलते हैं, मतलब ब्रेन टीवी, स्पाइन टीवी, ये सब नहीं बोली मैंने, मैंने बस बोला टीवी हुआ है। तो शी सेड कि टीवी तो आसानी से 6 मंथ्स में ठीक हो जाता है और इतने पैसे भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें गवर्नमेंट से फ्री मिलते हैं, ट्रीटमेंट, टेस्ट, सब कुछ, मेडिसिन सब कुछ फ्री मिलते हैं, 6 महीने में ठीक हो जाता है, इतना टेंशन क्यों लेती हूँ, ऐसे करके। तो उस टाइम मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं थी या फिर मैं उस कंडीशन में नहीं थी, क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट होकर 6-7 महीने हुआ था, तो मैं उस कंडीशन में नहीं थी कि मैं किसी को समझा पाऊँ कि टीबी के कितने टाइप्स होते हैं एंड कौन सी टीबी में क्या होता है। तो मैंने बस उसको इग्नोर किया एंड मैंने बोला हाँ ठीक है, ऐसा ही है करके। तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ टीबी, क्योंकि दूसरा रीज़न ये भी है कि जो टीबी इन्फेक्शियस नहीं है, जो टीबी फैलता नहीं है, उससे भी लोग डरते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि टीबी कितने टाइप्स के होते हैं। मोस्टली जो लोग हैं उनको बस लंग्स टीबी के बारे में पता होता है। टू बी ऑनेस्ट, जब तक मुझे ब्रेन टीबी नहीं हुआ मुझे खुद नहीं पता था कि टीबी ब्रेन में भी होता है। मैंने हमेशा बचपन से ही लंग्स वाली टीबी सुनी थी और जहाँ पे टीबी की इन्फॉर्मेशन दी जाती है वहाँ पे भी लंग्स टीबी की ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाती है, क्योंकि लंग्स टीबी कॉमन है, ब्रेन टीबी, स्पाइन टीबी, ये जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होता है वो थोड़ा रेयर है। तो आज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ टीबी। तो टीबी के 2 टाइप्स होते हैं, एक है पल्मोनरी टीबी, सेकेंड है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। सबसे पहले पल्मोनरी टीबी की बात करते हैं। पल्मोनरी टीबी जो होता है लंग्स का टीबी होता है, जो लंग्स की टीबी होता है, लंग्स टीबी, उसको हम कहते हैं पल्मोनरी टीबी। एंड 80% ऑफ टीबी का जो केसेस होता है वो पल्मोनरी टीबी ही होता है, मतलब पल्मोनरी टीबी बहुत कॉमन है। अगर आप 100 टीबी पेशेंट्स को लेंगे तो उनमें से 70-80 को पल्मोनरी टीबी ही होगा, लंग्स टीबी ही होगा। इसका ट्रीटमेंट ड्यूरेशन जो है वो बहुत कम है। अगर आपको ड्रग सेंसिटिव पल्मोनरी टीबी है तो आपको सिर्फ 6 to 9 months में आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा, एंड अगर आपको MDR है तो फिर 18 months होता है। तो फर्स्ट रहा हमारा पल्मोनरी टीबी। और पल्मोनरी टीबी के बारे में और एक बात यह है कि ये जो टीबी है ये इन्फेक्शियस है, ये एक इंसान से दूसरे इंसान पे फैलता है। तो अगर पल्मोनरी टीबी के पेशेंट, जब तक डॉक्टर उसको नहीं बोलते कि तुम अब इन्फेक्शियस नहीं हो, तुम अब स्प्रेड नहीं करोगे, तब तक वो जो है दूसरे लोगों को स्प्रेड कर सकते हैं। जैसे जब वो कफिंग करते हैं या फिर जब वो जूठा खाते हैं, कफ करते हैं, तो उस टाइम जो है ये पल्मोनरी टीबी से स्प्रेड होता है। तो सिर्फ लंग्स टीबी स्प्रेड होता है, लेकिन यहाँ पे मिसकंसेप्शन ये है कि टीबी आप बोलोगे तो हर तरह की टीबी स्प्रेड होता है, ऐसा कुछ लोगों को लगता है, लेकिन जो है वो एक मिथ है, सिर्फ लंग्स टीबी जो है स्प्रेड होता है। तो फर्स्ट हमारा हो गया पल्मोनरी टीबी, लंग्स टीबी, एंड सेकेंड जो है वो है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। तो लंग्स के अलावा जो टीबी दूसरे ऑर्गन को अफेक्ट करता है, दूसरे बॉडी पार्ट को अफेक्ट करता है, जैसे ब्रेन, लिम्फ नोड्स, बोन्स, जॉइंट्स, किडनी, इंटेस्टाइन, स्पाइन, तो ये जो है इसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहते हैं। तो जो टीबी लंग्स को छोड़ के अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी को अफेक्ट करेगा, जैसे ब्रेन टीबी, स्पाइन टीबी, लिम्फ नोड्स टीबी, बोन्स टीबी, इंटेस्टाइन टीबी, और भी बहुत सारी जगह पे होता है, तो इसको कहते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा लॉन्ग टाइम चलता है, जैसे ब्रेन टीबी का ट्रीटमेंट चलता है 18 to 24 months, कभी कभी किसी किसी के केस में 24 months से एक्सीड भी कर सकता है। स्पाइन टीबी का भी चलता है 18 to 24 months, लिम्फ नोड्स का चलता है 12 to 18 months। तो इसका ट्रीटमेंट जो है थोड़ा सा ज़्यादा ड्यूरेशन होता है इसके ट्रीटमेंट में। एंड ये जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है ये इन्फेक्शियस नहीं है, ये दूसरे लोगों को स्प्रेड नहीं होता है, तो आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास में कोई ब्रेन टीबी का पेशेंट है, स्पाइन टीबी का पेशेंट है, जो भी लिम्फ नोड्स टीबी के पेशेंट है,
तो उनसे आपको कोई खतरा नहीं है, उनसे आपको स्प्रेड नहीं होगा। तो ये चीज जो है ये बहुत ही सिंपल चीज है, टीबी पेशेंट्स को तो सबको पता होता है, लेकिन जो बाकी लोग हैं जिनके घरों में कभी किसी को टीबी नहीं हुआ, जिनके आसपास कभी किसी को टीबी नहीं हुआ, तो उनको पता नहीं होता है, इसीलिए वो सोचते हैं कि सभी टीबी एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। टीबी के दो टाइप्स है, पल्मोनरी एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी, एंड सिर्फ पल्मोनरी टीबी जो है वो ही फैलता है। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आते हैं देन प्लीज डू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल के लर्स ऑफ लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।